दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ने वाली द्वारका एक्सप्रेसवे 8 लेन वाली भारत की पहली शहरी एक्सप्रेसवे होगी। इसे बनाने का काम अप्रैल 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है। 29 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे को बनाने की लागत करीब 9,000 करोड़ रुपए होगी। उम्मीद है कि इसके शुरू होने के बाद दिल्ली गुरुग्राम सड़क पर ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। इतनी बड़ा ये प्रोजेक्ट है, जब दोनों प्रोजेक्ट पूरे होंगे तो द्वारका और गुड़गांव, ये जो क्षेत्र है हरियाणा का और दिल्ली का, इसमें तो सुविधा होगी, पर बाहर से आने वाला काफ़ी ट्रैफिक, उसकी भी सुविधा होगी। और ये दोनों रोड के कारण इस एरिया में एक नई दिल्ली बस रही है, नया गुड़गांव बस रहा है। केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को कैबिनेट के कुछ सहयोगियों और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। तो ये सबसे टफ काम था ये। उन्होंने बताया कि द्वारका एक्सप्रेसवे में पूरी तरह से स्वचालित टोल प्रणाली होगी और ये इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ITM से लेस होगा। एक्सप्रेसवे को गुड़गांव के सेक्टर 88, 83, 84, 19 और 113 से होते हुए द्वारका सेक्टर 21 के साथ ग्लोबल सिटी से जोड़ा जाएगा। इस पूरे एक्सप्रेसवे में इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम ITS सुविधा होगी। एक्सप्रेसवे के दोनों ओर 3 लेन की सर्विस रोड बनाई जा रही है। इसके जरिए पंजाब और हरियाणा से आने वाले यात्री बिना दिल्ली में घुसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जा सकेंगे।